हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूपीआई के स्ट्रक्चर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आईटीआई निदेशक भर्ती 2022 में आपकी जो प्रमाण पत्र से अपलोडिंग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, मैं उन बातों को आपके समक्ष रख रहा हूं। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें और मेरी बात को गौर से सुने। ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है और आने वाले जो भर्तियाँ हैं उनमें भी आप सभी को हेल्पफुल हो सकती है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मेरी बात को समझने का प्रयास करें, क्योंकि मैं आज जो बात करने जा रहा हूं वो आपके भविष्य से जुड़ी हुई है। ये कहीं ना कहीं आप सभी को लाभ जरूर पहुंचाएंगे। तो देखिए आज हुआ क्या है, आज आयोग में दो अभ्यर्थी गए थे अनुभव प्रमाण पत्र के संदेह को दूर करने के लिए। तो जब वो वहां पहुंचे तो वहां के अधिकारियों द्वारा अचानक से उनके दस्तावेजों और उनके कार्यस्थल के बारे में पूछ लिया गया, जिसका वो जवाब नहीं दे पाए और फंस गए। उनकी पीईटी डिटेल्स भी पूछ ली गई। पहले तो कैंडिडेट्स ने उनका कुछ उल्टा सीधा जवाब दिया, लेकिन अधिकारियों को जब उन पर विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने उन्हें संदेह की सूची में डाल दिया और आगे की कार्यवाही विभाग और आयोग मिलकर उन कैंडिडेट्स के ऊपर करेगा। तो सभी से मेरा पहले तो निवेदन है कि अपलोडिंग होने तक आयोग कोई भी कैंडिडेट ना जाए, और अगर आप जाते हैं तो वहां पर आप पूर्ण रूप से तैयार होकर ही जाएं। आपके पास हर चीज एकदम वैलिड और एक्यूरेट होनी चाहिए। विभाग ही देखिए वेरिफिकेशन करेगा, और शॉर्ट लिस्टिंग के लिए इनकम्प्लीट, फेक और रनिंग या पैरेलल डॉक्यूमेंट्स घर से तो अपलोड कर दोगे आप सभी लोग, लेकिन बाद में शॉर्ट लिस्टिंग के समय जब आप जाएंगे तब आपका क्या किया जाएगा, ये भविष्य के गर्त में ही छिपा है। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फेक और गलत इन्फॉर्मेशन ना तो आप उसमें फिल करें और ना ही अपलोड करें। आगे हम बात करते हैं अनुदेशक 2406 भर्ती में कुछ सीट्स होल्ड रखी गई हैं और नई भर्ती का अध्याचन आयोग को भी मिलने वाला है। तो कोई भी अभ्यर्थी ऐसे कोई भी इनकम्प्लीट या फेक डॉक्यूमेंट अपलोड ना करें, नहीं तो आप आने वाली भर्ती से हाथ धो बैठेंगे। साथ ही में आपके ऊपर प्रशासनिक कार्यवाही भी की जाएगी। तो देखिए आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में अनुदेशकों के पदों पर काफ़ी लंबे समय से बहाली नहीं हुई है। 2015 और 16 के कैंडिडेट्स का भी अब तक कुछ नहीं हो पाया है, ना इंटरव्यू हुआ है। तो आने वाले समय में जल्दी ही उनके इंटरव्यू होने वाले हैं, लगभग मार्च और अप्रैल में। वहीं इसके बाद 2406 पोस्टों के लिए भी अध्याचन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, उसका भी एग्जाम होने वाला है। और भविष्य में अनुदेशकों की कमी को देखते हुए सरकार बहुत ही जल्द अनुदेशकों के नए पदों को जारी करेगी और उन पर नोटिफिकेशन जारी करेगी, क्योंकि काफ़ी सारे जो अनुदेशकों के पद हैं वो रिक्त पड़े हुए हैं। और स्किल इंडिया का जो मिशन है उसके तहत ये मैंडेटरी और ज़रूरी भी है। तो गवर्नमेंट को भी ये शो करना है कि देखिए हमारा जो विज़न है हम उसके लिए पूर्ण रूप से तैयारी कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपका इनकम्प्लीट है तो आप अपलोड ना करें। आपको भले एग्ज़ाम देने को मिल जाए, लेकिन आप फ्यूचर में जो शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस होगी आप उससे बाहर कर दिए जाएंगे। तो भविष्य में आने वाली भर्तियों से अगर आप बचना चाहते हैं, उनमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, ना गलत जानकारी दें और ना अपलोड करें। देखिए आपने संस्थान या औद्योगिक दोनों क्षेत्रों का अनुभव है तो ऑनलाइन मॉडिफिकेशन पोर्टल पर कोई एक विकल्प आपको चूज करना है। उसके बाद सारी पीडीएफ को आपको मर्ज करना है एक्सपीरियंस के केस में और उन्हें अपलोड करना है। आपके पास अगर कोई सरकारी अनुभव है तो आपको एक संस्था या औद्योगिक जिसमें भी आपने लिया हुआ है उसमें सेलेक्ट करके उसका आपको पीडीएफ अपलोड करना है, मर्ज करना है। जैसे मान लीजिए किसी किसी के पास एक साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है और फिर एक साल का या दो साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो देखिए आप इंडस्ट्रियल पर सेलेक्ट करिए। इंडस्ट्रियल पर सेलेक्ट करने के बाद अपनी 10 या 10 नंबर से फिल करिए। इसके बाद आप उसी जब आप पीडीएफ बनाएंगे तो इंडस्ट्रियल का एक साल का एक्सपीरियंस प्लस दो साल का आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस, उसे आप मर्ज करने के बाद उसे आप अपलोड कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको समझ आई होगी। देखिए जिनका 3 साल 2 साल या 1 साल से कुछ भी दिन या महीने का अनुभव कम है वो अपलोडिंग ना करें, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि जो भी शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस देखी जाएगी वो आपकी कैलकुलेट की जाएगी आपके टाइम के अकॉर्डिंग। अगर आपका 1 या 2 महीने से रह रहा है तो आप उसे फर्जी तरीके से इंक्रीज करके अपलोड ना करें, क्योंकि जब आपका वेरिफिकेशन होगा या शॉर्ट लिस्टिंग होगी तो उस टाइम पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्रॉस चेक किए जाएंगे और फिर वहां पर आप पकड़ सकते हैं। तो कृपया करके ये डिटेल्स भी गलत ना भरें। अनुभव वर्णा में CITS के रिजल्ट की डेट की कोई भी भूमिका नहीं है। तो देखिए इसमें CITS में आपका अगर आप परेशान हो रहे हैं डेट को लेकर, तो इसमें डेट से कोई इशू नहीं है। जैसे कुछ कैंडिडेट परेशान होते हैं डेट को लेकर कि हमने बाद में किया है या पहले किया है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, आपका वैलिड माना जाएगा। तो पहले भी आयोग से इस संबंध में बातचीत हो चुकी है, और खासकर वो लोग ध्यान दें अब जिनका 10 या 10 नहीं है। तो देखिए जिनका 10 या 10 है वो दर्ज करें, और जिनका नहीं है और जो भी नंबर मिला है वो लेटर पर दर्ज हो या कोई भी हो, या आपका GST नंबर हो या CIN नंबर हो, तो आप उसे दर्ज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका एक्सेप्ट होगा। अनुभव प्रमाण पत्र में वही उल्लेख करिए जितनी आपका नियमावली में लिखा है। अगर कोई सैलरी नहीं है या मेंशन नहीं कर पा रहा है तो देखिए आप घबराएं नहीं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सैलरी रजिस्ट्रेशन का बेस नहीं है, भले आप सैलरी उसमें मेंशन करा दें, अगर सैलरी स्लिप नहीं दे रही है और या फिर अवेलेबल नहीं है तो आप परेशान ना हो, आप सिर्फ उसमें सैलरी मेंशन करा सकते हैं कि आपको इतनी सैलरी मिलती थी। इन फ्यूचर जो भी पॉसिबिलिटीज बनेगी वो आपके हित में ही होंगी, तो आप इसको लेकर ज़्यादा परेशान ना हो। देखिए अनुभव की गणना जो है तकनीकी अर्हता, यानी कि आपने जब भी अपनी टेक्निकल डिग्री या डिप्लोमा या NAC सर्टिफिकेट लिया है तो उसका जो अंतिम परिणाम है यानी कि फाइनल रिजल्ट जिस दिन घोषित हुआ है, जैसे मान लीजिए आज आपका फाइनल रिजल्ट घोषित हो चुका है IIT या डिप्लोमा या BTech का, तो आज यानी आज को छोड़कर कल से आप कभी भी किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो आपका वहीं से काउंट होगा। तो इसके संबंध में आप परेशान ना हो। जैसे किसी कैंडिडेट का सर्टिफिकेट बाद में आता है, पहले रिजल्ट आता है, तो काफी कैंडिडेट्स इस विषय में भी परेशान है कि मेरा सर्टिफिकेट रिजल्ट के काफी समय बाद आया तो क्या उसके पहले का जो टाइम है या टाइम पीरियड है वो काउंट होगा या नहीं। तो देखिए आपका रिजल्ट आने के बाद यानी कि फाइनल रिजल्ट आने के बाद आपने जहां भी काम किया हुआ है आपका जो एक्सपीरियंस है वो उसमें काउंट होगा, यानी कि वो टाइम पीरियड फाइनल रिजल्ट आने के बाद काउंट किया जाएगा, आपके सर्टिफिकेट से उसका कोई लेना देना नहीं है।
नेक्स्ट है अनुभव की गणना। CITS की कोई भूमिका नहीं है, केवल तकनीकी अर्हता के बाद ही आपका 1, 2 और 3 साल का अनुभव मान्य होगा। CITS के बाद हो या पहले हो, आप अपलोड करिए, किसी भी भ्रम में ना रहें। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, विभाग और आयोग के अनुभव के संबंध में मीटिंग हो चुकी है, सारी चीजें ध्यान में रखकर ही आप अपलोडिंग करें, और ये अपलोडिंग उसी को देखते हुए भी प्रारंभ हुई है। देखिए, इनमें कुछ अभ्यर्थी वे भी हैं जो सोच रहे हैं कि 3 फरवरी या प्रेजेंट टाइम तक का उनके पास अनुभव आ गया है, तो हम वो भी उसमें इंक्लूड कर दें। तो ऐसा नहीं है, आपकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी 8 फरवरी शायद 2022 थी, तो आपको उसके पहले पहले का ही आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद का अगर आप एक्सपीरियंस लगाते हैं तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। और यदि आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है और पिछले वर्ष का भी अगर आप एक्सपीरियंस उसमें इंक्लूड करके आप ये समझ रहे हैं कि आपका 2 साल का हो गया है, तो देखिए आपका 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा, वो सिर्फ आपके फॉर्म भरने के पहले पहले तक का ही एक्सपीरियंस काउंट होगा। यानी कि अगर आपके पास 1 साल का है फॉर्म भरने के पहले का, तो वो सिर्फ 1 साल का ही काउंट किया जाएगा, इसके बाद का एक्सपीरियंस आपका काउंट नहीं होगा। अगर आप ऐसा करते हैं या गलत जानकारी उसमें फिल करते हैं या एक्सपीरियंस अपलोड करते हैं अभी प्रेजेंट टाइम का, रीसेंट टाइम का, तो आपका वहाँ भी जो है फेक डॉक्यूमेंट्स माना जाएगा, उस श्रेणी में रखा जाएगा, और आपको हो सकता है आने वाली भर्तियों से डीबार कर दिया जाए, तो आप 3 से 4 साल के लिए डीबार किए जा सकते हैं। तो फॉर्म भरे जाने की अंतिम तिथि तक का ही अनुभव को आपको अपलोड करना है। कुछ अभ्यर्थी अप्रेंटिसशिप को अपलोड करने का सोच रहे हैं, तो वे अभ्यर्थी आयोग की डीबार लिस्ट में आ जाएंगे, क्योंकि देखिए वो सभी लोग भ्रामक सूचना दे रहे हैं, अप्रेंटिसशिप एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगी। तो जहाँ पर देखिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि SSC अप्रेंटिसशिप को इंक्लूड करता है अपने एक्सपीरियंस में, और कई अदर एग्जामिनेशन बोर्ड भी अप्रेंटिसशिप को मान्यता देते हैं एज एक्सपीरियंस, लेकिन UP SSC के अंतर्गत जो आपका एक्सपीरियंस है अप्रेंटिसशिप के लिए, तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। UP SSC अप्रेंटिसशिप को एक्सपीरियंस में काउंट नहीं करती है, पहली बात। और दूसरी बात, तो मैं आपको बता दूं कि आप एज ए टीचर के लिए अप्रेंटिसशिप उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अप्रेंटिसशिप में आप एज ए ट्रेनी वहाँ पे काम करते हैं, ना कि आप एज ए वर्कर वहाँ काम करते हैं, और ना ही आप वहाँ एज ए इंस्ट्रक्टर वर्क करते हैं। आई होप आप सभी को ये चीज़ भी समझ आई होगी। देखिए, आयोग के जो सचिव हैं वो पूरा रिकॉर्ड रख चुके हैं आज तक जितने अभ्यर्थी वहाँ गए हैं, अब अपनी भर्ती प्रक्रिया सही पटरी पर आ चुकी है। देखिए, क्योंकि होता क्या है कि जो अधिकारी हैं उन्हें हर किसी के आप बार बार गए हैं तो फेसेस याद हो जाते हैं, तो उनके पास सारा डाटा है आपका कि आपने कब आए हैं, कब गए हैं, वहाँ सब कुछ है, कैमरे लगे हुए हैं, सब कुछ आ गए हैं। तो देखिए, तो आप वहाँ अब बार बार ना जाएं, और ना ही वहाँ ऐसी कोई भ्रामक स्थिति पैदा करें जो आपके लिए हानिकारक साबित हो। बेवजह और अनावश्यक इश्यूज को लेकर आयोग और विभाग जाकर आप एग्जाम में देरी ना कराएं। सभी शॉर्टलिस्ट होंगे और सभी एग्जाम देंगे और मेधावी ही चयनित होंगे। तो देखिए, बाकी आप पर है, जिंदगी पर संदेह के सहारे आयोग विभाग के चक्कर लगाने हैं तो भर्ती को जल्द पूरा कराना है अगर, तो आपको ये सब इनसे बाहर होना होगा, इन पर आप ध्यान ना दें। अपलोडिंग पोर्टल बिल्कुल सही है, और सभी अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसी से आप मशवरा ना लें, ना किसी की भ्रामक बातों में आए, क्योंकि आप जिस व्यक्ति से जितनी बार पूछेंगे, तो हर व्यक्ति का अपनी अपनी अलग अलग राय होती है। आप तथ्यों पर फोकस करें, और किसी भी दूसरे व्यक्ति से और ना तीसरे व्यक्ति की आप बातों में आए, आपका जो मन कह रहा है आप अपने मन की सुने और अपने आगे की फर्दर प्रोसेस को फॉलो करें। बाकी अगर आपके परसेंटेज कम है या नंबर कम है तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, आपका जो भी शॉर्टलिस्ट होगा मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और शॉर्टलिस्ट प्रोसेस को समझ सकते हैं। मेरी जो अजम्पशन है उसके अकॉर्डिंग ही आप सभी का शॉर्टलिस्टिंग में होना चाहिए, और शॉर्टलिस्टिंग ऐसी होगी कि आप सभी का सिलेक्शन होगा और उसमें आप सभी लोग शॉर्टलिस्ट करे जाएंगे। तो जिनका भी परसेंटेज 70 से कम है या 65 से कम है या 60 के आसपास है या उससे भी कम है, तो वो सभी कैंडिडेट परेशान ना हो, आप सभी लोग शॉर्टलिस्ट करे जाएंगे और अपने अपने ट्रेड्स में शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। आई होप आप सभी को ये जानकारी भली भांति समझ आई होगी। अगर जानकारी सही लगे और आपकी समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्हें भी इस जानकारी की आवश्यकता है उन सभी कैंडिडेट्स तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच। गुड डे। जय हिंद।